नमस्कार प्रणाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैं आज जस्ट चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि पिछले 7 दिनों में मैंने लगातार 7 वीडियो डाले हैं। यार चमत्कार हो गया, आज तक कितनी कंटिन्यूसली वीडियोस मैंने नहीं डाले और ये 8वां वीडियो होगा लगातार। और फिलहाल हमारी खड़ी है गाड़ी यहाँ पे और इसे हम लेके चलते हैं और 8वें वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। आजकल मौसम ने करवट ले ली है, सुबह सुबह बहुत ही तीखी वाली धूप होती है जो कि आगे लगती है बहुत ही ज़्यादा तेज और रात में लगने लगती है ठंडी। फिलहाल जो मेरी तबीयत है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं चल रही है, अंदर से बहुत ही अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ मैं और मेरे पूरे बॉडी में ना एक अजीब टाइप का पेन सा हो रहा है राइट नाउ। और फिलहाल मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हूँ एक रीज़न की वजह से, तो ऐसे में परेशानी कैसे दूर होगा। तो आप अपनी जब हॉबीज़ करते हो ना तो आपका कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा कम होता है, तो वही रीज़न है कि मैं ब्लॉगिंग भी कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। नहीं मन कर रहा है फिर भी मैं कर रहा हूँ और इसकी वजह से मेरा थोड़ा तो जो टेंशन है ना वो रिड्यूस ज़रूर हो रहा है ये ब्लॉग रिकॉर्ड करने के प्रोसेस में और उसके बाद एडिट एंड अपलोड करने के प्रोसेस में। यार जो भी हम ठान लेना वो डेफिनेटली हो जाता है और उसका उदाहरण ये लड़का है। मैं पिछले 3-4 साल 5 सालों से जिम कर रहा हूँ लेकिन आज तक मैं बॉडी नहीं बना पाया, जैसा हूँ वैसा कहीं वैसा ही रहता हूँ। लेकिन एक्चुअली मेरा मेन पर्पस रहता है कि मुझे अपने फिटनेस पे ध्यान देना होता है और मैं फिट रहता हूँ हमेशा। लेकिन ये बंदे ने लास्ट 2 से 2.5 महीने में तकरीबन 12 से 14 किलो वेट कम कर लिया है। कैसे किया? तो मैं थोड़ा तेज बोल, पास आ शर्मा मत। तो मेरा डाइट बहुत हार्ड था तभी, एंड जो मैं जिम आता था तो मैं एक टाइम नहीं आता था, मैं 2 टाइम आता था, मतलब एक सुबह और एक शाम, और दोनों टाइम में तो क्या खाता था? दो दो घंटा जिम करता था एंड डाइट था मेरा खाली 1-2 अंडा था एक टाइम और कुछ फ्रूट्स थे 2-3 बस, और सीधा एक टाइम खाया था, सीधा एक रात में खाना था, वही सब सेम टू सेम था, बाकी कुछ नहीं था। मतलब 2 अंडा बिस्किट और यही सब खा गए तो जिंदा रहा है 2-2.5 महीने और 14 किलो लड़के ने वेट कम कर लिया। अनबिलीवेबल, मुझे अपना 10 किलो वेट बढ़ाना है, मैं क्या करूँ। तो जो भी हम चाहें ना यार हो सकता है, बस हमें कंसिस्टेंसी उस चीज़ के लिए दिखानी होगी और अपना सब कुछ उस चीज़ के लिए झोंक देना होगा और वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी, वो चाहे हमारे सपने हो, हमारी बॉडी हो, मोटापा हो। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये ब्रेकफास्ट कम खाने जैसा है पर मेरा ब्रेकफास्ट इतना ही हैवी होता है क्योंकि जो सुबह की मील होती है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं न्यूज़। इससे पहले जो आपने वीडियो देखा था वो वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। फिलहाल आया हुआ हूँ मैं डीमार्ट में मम्मा को लेके शॉपिंग के लिए और मम्मा को मैं दिखाऊंगा नई वीडियो में। जो शॉपिंग थी वो हो गई है कंप्लीट कुछ इस प्रकार से। आज बहुत दिनों के बाद मैं मम्मा को बाहर कहीं घुमाने के लिए लेके गया, घुमाने नहीं एक्चुअली शॉपिंग के लिए लेके गया। लेकिन जब हम उनको थोड़ा वक्त देते हैं ना अपने माँ बाप को तो उनको लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और अभी आने वाले मंथ में मेरा जाने का जम्मू भी प्लानिंग है मम्मा पापा के साथ में लेके। तो अगर हमारे माता पिता के जीवन में ना इस एज पे इस स्टेज पे वो पहुँच चुके हैं ना जब उनके लाइफ में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है सिवाय हमारे, हमारा बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक और बिजी स्केड्यूल होता है, हमें रेयरली टाइम मिलता है, जॉब है, काम है, फ्रेंड्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है और ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में हम अपना थोड़ा वक्त निकाल के उनको देते हैं ना तो उनको लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्योंकि उनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल के लिए और कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये देख रहे हो कलर करेक्शन, ये कितना कितना सही दिख रहा है ना। और अभी देखो अभी एकदम ब्लैंक हो गया, मतलब वाइट वाइट सा, अभी देख कितना सही आसमान दिख रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू गाइज लाइक दिस शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटएवर रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है।